You are watching films of India. नवरात्रि वाला फीलिंग है, गरबा डांडिया सब बहुत कलरफुल फिल्म है. नवरात्रि में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए ना फिल्म के गाने, तो जरूर इस फिल्म को देखने जाएं, ओनली फॉर द म्यूजिक. अदाकारी में वरीना हुसैन बाजी मार गई हैं. आयुष शर्मा की जो अदाकारी है उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. पहले तो उन्हें अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी, वो हीरो जैसी बॉडी उनकी अभी लगती नहीं है. थोड़ा सा उनको अभी और स्ट्रांग होना है, और उसके बाद अपने तलफ़ुज़ पर उनको जोर देना है, एक्टिंग पर जोर देना है. कई जगह है जो इमोशनल वो लोगों को कर सकते थे, वहाँ वो नाकाम हुए हैं. कई जगह वो हंसा सकते थे, उनके जो साइड एक्टर्स हैं वो पंचेस मार ले जाते हैं. मुझे तो ठीक ठाक मूवी लगी, बहुत ही प्रेडिक्टेबल मूवी है बट इन्जॉयबल है. ऐसी जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी, इतनी अच्छी मूवी नहीं होगी बट ठीक ठाक थी. फिल्म स्वीट है, सिंपल है, लव स्टोरी है, प्रेडिक्टेबल है. डेफिनेटली बहुत सी फिल्मों में हमने इस तरह की कहानी देखी है, बट यू कैन से इट्स अ वन टाइम वॉच. वी लव्ड इट एक्चुअली. एक्टिंग ठीक ठाक ही है. अगर आपको सलमान खान की फिल्में अच्छी लगती हैं तो शायद आपको ये फिल्म भी अच्छी लगेगी, क्योंकि जो तरह के कलर्स हैं, गाने हैं बहुत सारे, और जिस तरीके के जोक्स क्रैक करे हैं वो जैसे सलमान खान की फिल्मों में होती है वैसे इस फिल्म में भी है. इस फिल्म को दूंगा मैं 2 stars out of 5. 3 stars देना चाहूँगा. 3 stars दूंगा इसमें. 2. नवरात्रि वाला फीलिंग है, गरबा डांडिया सब बहुत कलरफुल फिल्म है. नवरात्रि में लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होना चाहिए ना फिल्म के गाने, तो ज़रूर इस फिल्म को देखने जाएं, ओनली फॉर द म्यूज़िक. अदाकारी में वरीना हुसैन बाजी मार गई हैं. आयुष शर्मा की जो अदाकारी है उन्हें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है. पहले तो उन्हें अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी, वो हीरो जैसी बॉडी उनकी अभी लगती नहीं है. थोड़ा सा उनको अभी और स्ट्रांग होना है, और उसके बाद अपने तलफ़ुज़ पर उनको जोर देना है, एक्टिंग पर जोर देना है. कई जगह है जो इमोशनल वो लोगों को कर सकते थे, वहाँ वो नाकाम हुए हैं. कई जगह वो हंसा सकते थे, उनके जो साइड एक्टर्स हैं वो पंचेस मार ले जाते हैं. मुझे तो ठीक ठाक मूवी लगी, बहुत ही प्रेडिक्टेबल मूवी है बट इन्जॉयबल है. ऐसी जो मुझे एक्सपेक्टेशन थी, इतनी अच्छी मूवी नहीं होगी बट ठीक ठाक थी. फिल्म स्वीट है, सिंपल है, लव स्टोरी है, प्रेडिक्टेबल है. डेफिनेटली बहुत सी फिल्मों में हमने इस तरह की कहानी देखी है, बट यू कैन से इट्स अ वन टाइम वॉच. वी लव्ड इट एक्चुअली. एक्टिंग ठीक ठाक ही है. अगर आपको सलमान खान की फिल्में अच्छी लगती हैं तो शायद आपको ये फिल्म भी अच्छी लगेगी, क्योंकि जो तरह के कलर्स हैं, गाने हैं बहुत सारे, और जिस तरीके के जोक्स क्रैक करे हैं वो जैसे सलमान खान की फिल्मों में होती है वैसे इस फिल्म में भी है. इस फिल्म को दूंगा मैं 2 stars out of 5. 3 stars देना चाहूँगा. 3 stars दूंगा इसमें. 2. सब्सक्राइब टू फिल्म्स ऑफ इंडिया एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट बॉलीवुड अपडेट्स.